सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू यर ओन चैनल नीट यू जी इन टेन माई नेम इज विपिन कुमार शर्मा एन एम योर बायोलॉजी मैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो मेटाबॉलिज्म क्या एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या एक वेल डिफाइनिंग फीचर है उसके बारे में आज हम बात करेंगे एंड बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वट मेटाबॉलिज्म इज What are the different type of chemical reactions that occur in your body? So we are going to take an whole overview about all these kind of things. So these are some important credentials of mine. You can just go through them if you want to. Otherwise, let's proceed. So you can join us on unacademy's learning app. You can download this app from Google Play Store. You can click on get subscription after downloading the app, and you can get a subscription from our app for. the duration that you you want. For example, if you are a 12th class ड्यूरेशन दैट यू वॉन्ट फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ए ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट यू मस्ट ऑप्ट दिस ट्वेल्व मंथस एन ट्वेंटी फोर months course while using the code weapon. जब आप रेफरल कोड विपिन यहां पर इंसर्ट करोगे तो आपको मेरे सारे के सारे नोट और मेरे एक साल का मेंटोरशिप फ्री मिलेगा जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर कर सकते हो सो नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक मेटाबॉलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल why इज मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट is it present in all the living organisms then the answer is yes without metabolism there can be no survival and without metabolism there can be no life as well it means that from a bacteria which is very small to the most complex organisms including blue whales it becomes very important to deal with the chemicals that are entering into our body it becomes very important to transform one chemical into other इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑक्सीडाइज द फूड मॉलिक्यूल्स एंड टू गेट एनर्जी आउट ऑफ दट बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म ऑल द क्रोशियल फंक्शन ऑफ योर बॉडी एट अ प्रॉपर पेस एंड दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म क्रोशियल आप यहां पर देख रहे होंगे आपके खाने पीने के सारे सामान आपके पेट के चारों ओर घूम रहे हैं और आपका पेट बीच में भंगड़ा कर रहे हैं यानी कि इफ योर फूड इज कंटेनिंग द एनर्जी इट विल नॉट बी गॉट बाय योर बॉडी इफ इट इज नॉट रेस्पायर्ड यानी कि अगर आपने खाना खा लिया है तो इसका मतलब यह नहीं आपको एनर्जी मिल जाएगी अगर आपने खाने में खाई ब्रेड और समझ लीजिए उससे आपको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मिला तो अब आपकी बॉडी में आप जो ऑक्सीजन लेंगे दैट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज दिस ग्लूकोज एंड आफ्टर दैट द एनर्जी और द दीपी इज गोइंग टू बी फॉर्मड सो ओवरऑल इट्स नॉट अबाउट ईटिंग इट्स ऑल अबाउट ऑक्सीडाइजिंग सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू ऑक्सीडाइज फैट देन ओनली यू कैन मेक एटीपी इज आउट ऑफ इट एंड देन ओनली यू कैन यूटिलाईज दैट करेंसी क्योंकि ए टीपी आपको पता है ये आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी है ये वो पैसा है जो आपकी बॉडी में चलता है किसी भी काम को करवाने के लिए सो so, हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो है मेटाबॉलिज्म हम सब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी केमिकल्स की बनी हुई है अगर आप सेल की बात करें सेल मेम्रेन लिपिड की है उसके अंदर प्रोटीन्स हैं काफी सारे आपको एनर्जी मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से मेम्ब्रेन के अपर भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है आपका जेनेटिक मटेरियल हैं केमिकल्स ही तो है वेरियस क्लासेस एंड दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स बट दे आर कॉन्स्टेंटली बींग चेंज फ्रॉम वन केमिकल एंटिटी टू द नेक्स्ट वन फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ग्लूकोज ग्लूकोज को आपने अगर पार्शली ऑक्सीडाइज करा दिया तो ग्लाइकोलिस में क्या बना आपका पाइरुविक एसिड बना फाइनल प्रोडक्ट इसके बीच में 10 स्टेप्स और हुए लेकिन एंड में आपका पाइरुविक एसिड बना अब ये पाइरुविक एसिड भी फर्दर लैक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है आपका ये जो है बेसिकली अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है एंड ये आपका आगे चल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से CO2 और H2O में भी कन्वर्ट हो सकता है यानी योर ग्लूकोज इज नॉट प्रेजेंट द वे इट इज इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्मड इनटू वैरायटी ऑफ केमिकल्स सिमिलरली अ प्लांट्स में ये CO2 और H2O को आप यू नो एड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ये दोबारा से आपका ग्लूकोज बना सकता है सो so, एक चीज जो है आपकी कन्वर्ट होती जाती है दूसरे में दूसरा तीसरे में और इस हिसाब से मेटाबॉलिक कन्वर्जन चलते रहते हैं और इन सारे कन्वर्जन को आप लोग बोलते हो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलती रहती है इवन इफ यू आर रीडिंग राइट नाउ देन साइमल्टेनियसली थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर गोइंग इन साइड योर बॉडी आप लोग देख रहे हो इमेज बनने का प्रोसेस हो रहा है ओके okay? चीजें सेंस होकर आपकी सी एन में जा रहे हैं सी से चीजें जो है आपकी वापस आ रही हैं आपके रेटिना पे इमेज बनाने के लिए आप सुन रहे हो चीजों को आप समझ रहे हो आप अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को यूटिलाइज कर रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम पे यू आर फोकसिंग इट मीन दैट यू आर यूटिलाइजिंग योर ब्रेन एज वेल यू आर राइटिंग डाउन योर नोट्स यू आर यूटिलाइजिंग योर हैंड मसल्स यानी कि आप मोटर फंक्शंस भी साथ साथ करते जा रहे हो इतनी सारी चीजें आपकी बॉडी में एक साथ होती हैं बिकॉज यू आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड यू आर प्रोसेसिंग द मेटाबॉलिक फीचर्स सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द ब्लू वेल सारे विदाउट एनी एक्सेप्शन मेटाबोलिज्म को शो करते हैं एंड इज इज इट सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल इन योर बॉडी आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं, विदाउट विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे के सारे ओके okay? अब ये जो रिएक्शन होते हैं कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि

यहां पर आप राइट right साइड में देख रहे होंगे कि एक है कि आपके के अंदर जो जाते है, वो ना नॉन लिविंग रिएक्शन आपका लिविंग है ओके इफ यू टॉक अबाउट दिस रिएक्शन ओनली दिस इज लिविंग रिएक्शन लेकिन इसको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते यानी कि आपकी बॉडी के बाहर आपकी बॉडी से सेम कंडीशन में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल विट्रो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है इन विट्रो मतलब आपकी बॉडी के बाहर ही आपकी बॉडी की जैसी कंडीशन इसे प्रोवाइड कर दी जाए सो so ये आपका लिविंग थिंग नहीं होगा लेकिन लिविंग रिएक्शन जरूर होगा बिकॉज आपकी बॉडी के बाहर भी सेम रिएक्शन हो रहा है जो कि लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है सो इट इज अ लिविंग रिएक्शन बट इट इज नॉट अ लिविंग थिंग अब यह टेस्ट्यूब आदमी थोड़ी बन जाएगी रिएक्शन होने से सो दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग और जाहिर सी बात है किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता सो दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये 100 परसेंट सारे के सारे लिविंग में है और ये जीरो परसेंट नॉन लिविंग थिंग्स में है तो ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हमें मिला अभी तक इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम ओके सो दैट्स वाई दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट सो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड होते हैं एंड मेटाबॉलिज्म इंक्लूड ऑल द केमिकल आर इन इनसाइड योर बॉडी सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो इस वीडियो को जिससे कि कॉन्स्टेंट मोटिवेशन बनी रहे और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है वहां पर प्लीज जुड़ जाइए क्योंकि मेरी वीडियो के सारे लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे थैंक यू सो मच स्टे ट्यूड एंड लॉर्ड ऑफ लव